हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, अपना जो बीएससी थर्ड ईयर है उसमें हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री अपना टॉपिक चल रहा है, और हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में सिक्स मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अपना पिरिडीन चल रहा है। पिरिडीन में हमने प्रिपरेशन मेथड्स कर लिए और केमिकल रिएक्शंस हैं वो अपनी चल रही हैं। केमिकल रिएक्शंस पे एक वीडियो है, वो पहले मैं बना चुकी हूँ। उस वीडियो में मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस हैं वो एक्सप्लेन की हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि कोई भी कंपाउंड यदि एरोमेटिक है तो वो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन होती है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस है वो रिप्रेजेंट करे, शो करे। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस है वो पिरिडीन की मेजर रिएक्शन यहाँ से नहीं होती, ठीक है। तो फिर करैक्टरिस्टिक रिएक्शंस है वो कौन सी होती हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, जो पिरिडीन बहुत ही हम बोल सकते हैं कि यहाँ से पिरिडीन का जो मेजर प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस में। इलेक्ट्रोफिलिक हमने देख ली थी क्यों नहीं होती, ठीक है, क्या रीजन होता है कि प्रोडक्ट की यील्ड है वो कम आती है, तो ये सारी चीजें हम पहले देख चुके हैं। हम यहाँ पे देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। तो देखिए, सबसे पहले चीज ये कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होती क्या है, ठीक है। आपको क्या करना है कि किसी भी न्यूक्लियोफाइल का सब्सटीट्यूशन करना है, ठीक है। हमने क्या मैंने क्या बोला था इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस में कि यदि आप कोई पॉजिटिव चार्ज वाले स्पेसीज जोड़ रहे हो तो वहां से एलिमिनेट भी कौन सी स्पेसीज होगी? पॉजिटिव चार्ज वाली। हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस में हमेशा एच पॉजिटिव को एलिमिनेट करते हैं, लेकिन जब हम लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, यानी कि कोई न्यूक्लियोफाइल हम रिंग पे ऐड कर रहे हैं, यानी कि कोई नेगेटिव चार्ज वाले स्पेसीज ऐड कर रहे हैं, और यदि नेगेटिव चार्ज वाले स्पेसीज ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से एलिमिनेट भी कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज वाले स्पेसीज होगी। और पिरिडीन में नेगेटिव चार्ज वाले स्पेसीज कौन सी हो सकती है? हाइड्राइड आयन हो सकती है। हाइड्रोजन है उसे हम तीन फॉर्म्स में पढ़ते हैं, एक तो अपना सिंपल हाइड्रोजन होता है, दूसरा अपना एच पॉजिटिव होता है जिसे अपन प्रोटॉन बोलते हैं, और तीसरा अपना एच नेगेटिव होता है जिसे अपन हाइड्राइड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन और एच पॉजिटिव तो आप खूब देखते हो, लेकिन एच नेगेटिव है ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस में जो सब्सटीट्यूट होता है वो किसका होता है? एच नेगेटिव का होता है, हाइड्राइड आयन का होता है। और किस तरह से रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन सी पोजिशन पे रिएक्शंस होती हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया हुआ पिरिडीन में तीन पोजिशंस होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? ऑर्थो होती है, मेटा होती है, पैरा होती है, या फिर कौन सी होती है? अल्फा होती है, बीटा होती है और गामा होती है, ठीक है। पोजिशन है वो मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन वाले वीडियो में अच्छे से डिफाइन किया हुआ कि कौन कौन सी पोजिशन होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से वन बाय वन लेके चलेंगे। पहले हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे अपने ऑर्थो पोजीशन पे या फिर अल्फा पोजीशन पे, वहां से हम देखेंगे कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं तो उनमें से क्या कोई स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, क्या यहाँ से डिफरेंस आ रहा है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ से बनने वाला प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, बीटा पोजिशन पे कराएंगे, देन हम गामा पोजिशन पे कराएंगे। तो इस तरह से हम वन बाय वन करके एक एक पोजिशन पे रिएक्शंस कराएंगे और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी पोजीशन पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो ज्यादा स्टेबल बन रही हैं। उसके साथ दूसरी चीज और देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक तो आप कौन से वे से फाइंड आउट कर सकते हो कि रिएक्शंस हम कहां होने वाले हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से बता सकते हो, ठीक है, बिल्कुल करेक्टली। तो ठीक है, लेकिन यदि आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि कहां पे रिएक्शंस हो सकती हैं, तो मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बताया था कि अपना पिरिडीन है उसके पास पोजीशंस कौन-कौन सी होती हैं। मैं एक बार के लिए यहां पे बना दे रही हूं पिरिडीन, ये तो कौन सी हो गई अपनी ऑर्थो हो गई, ये कौन सी हो गई मेटा हो गई, और ये पैरा हो गई। ये अपना पिरिडीन है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट लगता है, और नाइट्रोजन का यदि माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है तो रिंग पे कौन सा चार्ज होने वाला है? पॉजिटिव चार्ज होने वाला है, ठीक है। यदि नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट है वो पिरिडीन की रिंग पे लग रहा है तो रिंग में पॉजिटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन एटम पे निगेटिव चार्ज आएगा। रिंग में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दैट मीन्स रिंग है वो किस तरह से बिहेव करेगी? एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगी। और यदि रिंग है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रही है तो यहाँ पे आके एडिशन किसका होने वाला है? न्यूक्लियोफाइल का होने वाला है। तो आने वाली जो स्पीसीज है वो कौन सी होगी? न्यूक्लियोफाइल होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए कि क्यों यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ से नाइट्रोजन के माइनस आई इफेक्ट की वजह से रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब रिंग की कौन सी पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा? तो जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी हैं तो मैंने वहां पे बताया है कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमेशा कौन सी पोजिशन है वो पार्टिसिपेट करती है? ऑर्थो करती है और पैरा करती है। मेटा पोजिशन है वो कभी पार्टिसिपेट नहीं करती। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? जहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वहीं पे तो अपना जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजिली एड कर पाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही आसानी से वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। अब हम देखते हैं कि ज्यादा
पॉजिटिव चार्ज कौन सी पोजिशंस पे आने वाला है, तो वो पॉजिशंस ऑर्थो पे माइनस आई फैक्ट है वो ज्यादा लगता है, तो ऑर्थो पे भी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। देन हम बात करें पैरा की, तो पैरा पे भी माइनस आई फैक्ट ज्यादा लगता है, तो पैरा पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन मेटा पोजिशन है वो तो अपने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करती, यानी कि मेटा पोजिशन पे कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं होता। और यदि पॉजिटिव चार्ज ही नहीं है मेटा पोजिशन पे, तो फिर वहां पे न्यूक्लियोफाइल तो आके ऐड नहीं हो सकता ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, देखिए सुनिए ध्यान से सुनिए थ्योरी को, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में मैंने आपको क्या बताया था कि जो अपनी मेटा पोजीशन होती है या बीटा पोजीशन होती है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा की कंपेयर में ज्यादा होती है। मैं क्या बोल रही हूँ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। और जब हम करवा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे तो करेगा नहीं, वो कहाँ पे अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशियंसी होगी, इलेक्ट्रॉन है वो कम होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कम कहाँ पे है, ऑर्थो पोजिशन पे है, पैरा पोजिशन पे है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अल्फा पे है और गामा पे है। तो हमें यहां से इतना क्लियर हो जाता है, थोड़ा सा माइंड में इमेज बन जाती है कि रिएक्शंस हैं वो कहां पे जाने वाली हैं, ठीक है। हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। तो देखिए जो सबसे पहली वाली रिएक्शन आती है अपनी, वो आती है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट ऑर्थो, सॉरी एट अल्फा पोजीशन, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट अल्फा पोजीशन, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो बोल सकते हैं, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, टू एंड सिक्स पोजीशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जब हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिंग को इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि रिंग की जिस पोजिशन पे आपको न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है, वहां पे पहले आपको पॉजिटिव चार्ज लेके आना है। वो किस तरह से लेके आओगे, तो देखिए यहां से ये अपना पिरिडीन है, पिरिडीन में क्या करना है हमें, पोजिशन नंबर टू पे, पोजिशन नंबर अल्फा पे हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस वाले बॉन्ड को ट्रांसफर करेंगे, नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और अल्फा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई, अल्फा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे, यानी कि रिंग है वो अपने इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव कर रही है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे इजीली आके न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया और यहां पे अल्फा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ आके न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड हो जाता है। अब देखिए यहां से जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, तो अपनी जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट जो बन रही है, उसमें देखिए नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है, नाइट्रोजन पे यहां पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको बताया है कि नाइट्रोजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और नाइट्रोजन ही ऐसा एलिमेंट होता है जो सबसे टाइटली बॉन्ड फॉर्म करता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। दूसरी चीज यहाँ पे कि नाइट्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे यदि नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट मीन्स वो और भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, वो मोर स्टेबल हो जाता है। तो यहां से जो ये एक स्ट्रक्चर बन रही है, ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर बन रही है, और इसी एक स्ट्रक्चर की वजह से देखिए कोई भी आदमी होता है ना कि उसके उसमें यदि कोई एक क्वालिटी है, एक अच्छी क्वालिटी है, तो उसके सारे जो बुरे काम होते हैं वो भुला दिए जाते हैं। तो इसी एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से, और बाकी की दो हैं इनको नहीं देखा जा रहा कि ये स्टेबल है नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक स्टेबल मिल रही है, दैट मीन्स यहाँ से तो प्रोडक्ट है वो स्टेबल ही आएगा। तो चीज क्लियर हो रही है, यदि एक भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो स्टेबल बन रही है रिजोनेंस के ड्यूरिंग, तो यहाँ से उसी पोजिशन पे अटैक होने वाला है, कोई भी अपना इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल हो चाहे इलेक्ट्रोफाइल हो, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में भी हमने सिमिलरली कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था, वहां पे भी कोई एक स्ट्रक्चर भी यदि मोर स्टेबल बन रही है, तो हम क्या कर रहे हैं वहां पे कि यही इसी पोजीशन पे हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे। और सिमिलर कॉन्सेप्ट है वो न्यूक्लियोफाइल में भी होता है कि यदि आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एक स्ट्रक्चर है वो भी स्टेबल मिल रही है, तो आप यहीं पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे। तो अपना तो काम यहीं से बन गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, निगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज कराते हैं। डिलोकलाइज किस तरह से कराएंगे, देखिए यहां से निगेटिव चार्ज को देंगे यहां पे रिंग में, और ये वाला बॉन्ड है ये शिफ्ट कहां पे करेगा, नेक्स्ट कार्बन पे करेगा। कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, अगेन यहां से इस नेगेटिव चार्ज को रिंग में लेके जाएंगे और नेक्स्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जाएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज को जब तक अपनी स्पीशीज है वो न्यूट्रल नहीं होती, तो हम रिएक्शन को कंप्लीट नहीं मान सकते ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्टेबल प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो यहां से हमें क्या करना है कि यहां से जो नेगेटिव चार्ज है जब ये रिंग में इंसर्ट करेगा, रिंग अपनी अगेन एरोमेटिसिटी को ऑब्टेन करेगी, तो यहां से क्या होगा कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है जैसे ही रिंग में आएगा, तो एच नेगेटिव है
यदि आप यहाँ से एच पॉजिटिव निकालते हो तो रिंग पे देखिए ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज लेके घूम रहा है पिरिडीन। और यदि आप यहाँ से एच पॉजिटिव और निकाल देते हो यानी कि और भी इलेक्ट्रॉन इसके रख लेते हो तो फिर रिंग है वो डिस्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, एच निगेटिव निकालना है। हाइड्रोजन है वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन साथ लेके जा रहा है हाइड्राइड आयन की फॉर्म में, और तब यहाँ से टू सबस्टिट्यूटेड पिरिडीन है वो फॉर्म होता है। तो ये चीज क्लियर हो रही है कि पिरिडीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कौन सी पोजिशन पे होने वाली है, या तो पोजीशन नंबर 2 पे या फिर पोजीशन नंबर 6 पे। यहां से मोर स्टेबल प्रोडक्ट, मोर यील्डेड प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन होगा। दूसरा हम देख लेते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट बीटा पोजीशन, कि बीटा पोजीशन पे जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो यहां से हमें किस तरह की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगी, क्या बीटा पोजीशन से हमें प्रोडक्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, वो चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए बीटा पोजीशन पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, बीटा पोजीशन को इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करना होगा। तो यहां से हम इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करते हैं अपनी पोजिशन नंबर 4 पे। पोजिशन नंबर 4 पे आ गया निगेटिव चार्ज, और 3 यानी कि बीटा पोजिशन पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इस पॉजिटिव चार्ज के साथ न्यूक्लियोफाइल है वो इजिली अटैक करेगा, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो देखिए हमारी जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो बनने स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो चीज है जो हमें नोटिस करनी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि आप तीनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व कीजिए, एक भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा। क्या समझ आ रही बात, कि नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज नहीं आ रहा। दैट मीन्स यहाँ से बनने वाले रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, हाँ स्टेबल हैं लेकिन मोर स्टेबल नहीं है। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, एक आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, एक अच्छा मिल रहा है, तो आप किसे चूज करोगे, बहुत अच्छे वाले को चूज करोगे ना। तो यहाँ से देखिए रिएक्शन, यहाँ से भी जो अपने स्ट्रक्चर्स हैं वो अनस्टेबल नहीं है, बट यहाँ से यदि आपको मोर स्टेबल मिल रहे हैं तो आप इस ओनली स्टेबल पे तो रिएक्शन नहीं करवाओगे ना। तो रिएक्शन है वो कहाँ पे होंगी, जहाँ से मोर स्टेबल स्ट्रक्चर मिल रही है। बीटा पोजीशन पे रिएक्शन क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां से कोई भी स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर ऑब्टेन नहीं होती। यहां पे सिंपली क्या होता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, चार्ज का डिलोकलाइजेशन होता है। अब देखिए इस नेगेटिव चार्ज को हम किधर मूव कराएंगे, इधर मूव कराएंगे तो यहाँ पे आके बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, देन नेक्स्ट पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ से देखिए इस नेगेटिव चार्ज को यदि आप यहाँ पे देते हो, नाइट्रोजन पे नहीं दे सकते डायरेक्टली, आपको इसे रिंग में देना है। यदि आप रिंग पे देते हो इस नेगेटिव चार्ज को तो ये यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ से जो नेक्स्ट डबल बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक हो जाता है। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में तीन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपनी बनी है, इनमें से एक भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो मोर स्टेबल नहीं होती। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो अपना न्यूक्लियोफाइल है वो तो अटैक नहीं करेगा। इतनी चीज क्लियर हो रही है। तो यहाँ से जो 3 सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन है वो ऑब्टेन नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो रही है कि पिरिडीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो अल्फा पोजीशन पे जाने वाली है। अब हम देख लेते हैं गामा पोजीशन पे, एक पोजीशन अपने पास और भी बची हुई है। तो गामा पोजीशन यदि हम बात करें ऑर्थो की और पैरा की, तो दोनों पोजीशन हैं वो सिमिलर ही होती हैं, तो यहाँ पे भी रिएक्शन हैं वो इजीली प्रोसीड होती हैं। तो देख लेते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कि किस तरह से प्रोसीड होंगी। हमें क्या करना है, गामा पोजिशन पे न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है। तो गामा पोजिशन पे न्यूक्लियोफाइल जोड़े तो पहले गामा पोजिशन को इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। यदि गामा पोजिशन पे हम लेके आते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो अब न्यूक्लियोफाइल जो है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल वो आके अटैक कहाँ पे करेगा, गामा पोजीशन पे करेगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ेगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ता है, अब हम रिंग में निगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही देखिए रिंग में निगेटिव चार्ज है वो डिलोकलाइज होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये निगेटिव चार्ज है ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा इस वाली पोजिशन से। तो यहाँ पे तो आके डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, लेकिन ये वाला जो डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन के पास वाला, इस बार ये ब्रेक होके कहाँ पे जाएगा, नाइट्रोजन पे जाएगा। नाइट्रोजन पे लोन पेयर इसका ऑलरेडी प्रेजेंट है, और भी इलेक्ट्रॉन्स यदि आ रहे हैं तो इस पे चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज दैट मीन्स मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, और मोर स्टेबल स्ट्रक्चर दैट मीन्स रिएक्शन है वो होने वाली है। ठीक है, तो यहां से देखिए अब इस नेगेटिव चार्ज को हम अगेन डिलोकलाइज करते हैं, एच नेगेटिव हाइड्राइड आयन यहाँ से निकाल देते हैं, तो प्रोडक्ट है वो कौन सा ऑब्टेन होता है, 4 सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन ऑब्टेन होता है। तो इतनी चीज क्लियर हो रही है, हमें मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है वो कहां कहां से मिल रही है, अल्फा पोजीशन से मिल रही है और गामा पोजीशन से मिल रही है। दो ही पोजीशन ऐसी होती हैं जहां से हमें मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है वो ऑब्टेन होती हैं। तो जहां से मोर स्टेबल स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो रही है वहीं से रिएक्शन प्रोसीड होने वाली है। तो इतनी चीज क्लियर हुई होगी इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो कौन कौन सी पोजीशन पे होंगी, कहाँ कहाँ पे होंगी, या तो अल्फा पे होंगी या फिर गामा पे होंगी। बीटा पोजीशन पे न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन वो नहीं होने वाली। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया,
इसके बाद देखिए हम कुछ देख लेते हैं एग्जांपल्स, अपने जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं इनके कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स देखे थे, मैं फिर बता रही हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के टुवार्ड्स पिरिडीन की रिएक्टिविटी है वो बहुत कम होती है, और क्यों होती है कम वो मैं प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेकिन इतनी चीज समझ आनी चाहिए कि पिरिडीन है उसकी जो मेजर रिएक्शंस होती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में जो अपना फर्स्ट है वो हम देख लेते हैं रिएक्शन विद सोडामाइड। रिएक्शन विद सोडामाइड NaNH2 सोडियम एमाइड, ठीक है। यदि हम सोडियम एमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो किस तरह से रिएक्शन होने वाली है और क्या रिएक्शन का प्रोडक्ट होने वाला है, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन हम देखते हैं, यहां से हमें क्या लेना है, पिरिडीन लेना है स्टार्टिंग में, ठीक है। पिरिडीन की रिएक्शन किसके साथ करानी है, सोडामाइड के साथ करानी है, NaNH2 के साथ रिएक्शन करानी है। जब NaNH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो जाके जो अपना एमिनो ग्रुप है वो ऐड कहाँ पे होगा, पोजीशन नंबर 2 पे ऐड होगा, और यहां से फॉर्मेशन किसकी होती है, 2-amino-pyridine। फॉर्मेशन किसकी होगी, 2-amino-pyridine की फॉर्मेशन होती है। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, यदि आप NaNH2 सोडामाइड को लेते हो कम अमाउंट पे तो यहाँ से 2-amino-pyridine की फॉर्मेशन होती है, और यदि आप लेते हो सोडियम अमाइड को इन एक्सेस तो यहाँ से 2,6-diamino-pyridine की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यदि आपने यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन से वो देखे कैसे भी पूछे जा सकते हैं, आपसे पिरिडीन से 2-amino-pyridine की भी फॉर्मेशन पूछी जा सकती है, आपसे पिरिडीन से ही 2,6-diamino-pyridine की फॉर्मेशन है वो भी पूछी जा सकती है, और यदि बहुत ज्यादा एक्सेस में ले लेते हो तो यहाँ से 4-amino-pyridine है वो भी फॉर्म हो जाता है। तो चीज क्लियर हो रही है, क्योंकि पोजीशन नंबर 2,6,4 पे तो यहाँ से रिएक्शन होने ही वाली है, NH2 NH2। तो ये होती है आपकी 2,6-diamino-pyridine, 2,6-diamino-pyridine। किस तरह से नोमेनक्लेचर किया, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। कार्बन नंबर 2 पे कार्बन नंबर 6 पे दो कौन जुड़े हुए हैं, एमिनो ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो हमने क्या लिखा, 2,6-diamino-pyridine लिखा। अब रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो क्या होती है वो जरा एक बार के लिए देख लेते हैं। तो देखिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिया क्या हुआ है, सोडामाइड लिया हुआ है, NaNH2 लिया हुआ है। अब NaNH2 की यदि मैं बात करूं, सोडियम मेटल है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन बहुत ही इजीली डोनेट कर देता है, तो ये कन्वर्ट किसमें होने वाला है, Na पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव में। क्या मिला हमें, NH2 नेगेटिव, जो क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है। क्या न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है, और हमें क्या चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज ही चाहिए। तो ये जो अपनी न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है ये अब अटैक कहाँ पे करेगी, अपनी पिरिडीन की रिंग पे अटैक करेगी, ठीक है। तो यहां से नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा होता है, और पिरिडीन की रिंग पे अटैक कहां पे कराना है, पोजीशन नंबर 2 पे कराना है। तो पोजीशन नंबर 2 पे जब हम अटैक कराते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से होगा, पहले हमें क्या करना है, जो पोजीशन नंबर 2 है उस पे पॉजिटिव चार्ज लेके आना। चलो ये भी मैं बता देती हूँ, पहले क्या करेंगे, पोजीशन नंबर 2 पे पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे, और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, वही फर्स्ट वाला केस। अब क्या करना है, यहाँ पे NH2 नेगेटिव है वो अटैक करेगा, NH2 नेगेटिव अटैक करेगा जब, तो यहां से प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, NH2। और हाइड्रोजन तो यहाँ पे ऑलरेडी था ना, ये चीज तो ध्यान है कि हाइड्रोजन तो हर पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। अभी देखिए हमें इस तरह का कुछ प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन होता है, देन लास्ट में आपको क्या करना है, अभी स्टेबल प्रोडक्ट तो नहीं ऑब्टेन हुआ, तो फिर क्या करोगे, यहां से निकालना है आपको एच नेगेटिव, और इस वाले नेगेटिव चार्ज को अगेन रिंग में ट्रांसफर कर देना है, तो यहां से एच नेगेटिव निकलेगा, एन
और ये जुड़ गया आपका NH2। तो ये तो हो गया आपका प्रोडक्ट 2-aminopyridine। ऊपर लिखा हुआ है, बार बार लिखने की कोई नीड नहीं है। तो 2-aminopyridine ये तो हो गया आपका प्रोडक्ट। यहाँ से क्या माइनस हुआ है, एच निगेटिव माइनस हुआ है। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये अपनी स्टेप फर्स्ट होती है, ये स्टेप सेकेंड होती है और ये स्टेप थर्ड होती है। अभी हमारे पास Na पॉजिटिव आयन है वो बचा हुआ है, और Na पॉजिटिव है वो क्या करेगा, H निगेटिव के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड की ये यहां से फॉर्मेशन करता है। तो चीज क्लियर हो रही है, आपको क्या करना है, पिरिडीन की रिएक्शन करानी है सोडामाइड के साथ, तो यहां से 2-aminopyridine की फॉर्मेशन होती है। अब 2-aminopyridine देखिए, मैंने आपको बताया था नाइट्रेशन में कि नाइट्रेशन रिएक्शन है वो पिरिडीन इजिली से नहीं करता, और वहां से ओनली 5% प्रोडक्ट है वो ही ऑब्टेन होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहां से एमिनोपिरिडीन की फॉर्मेशन करते हैं, देन एमिनोपिरिडीन का हम कराते हैं ऑक्सीडेशन, तो यहां से नाइट्रोपिरिडीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये रिएक्शन मैं पहले करवा चुकी हूँ, तो यहां से उस रिएक्शन को थोड़ा कोरिलेट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो अपनी आती है रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH लिख देती हूं डायरेक्ट, रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस बार हमें क्या करना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है। देखिए आपको सारे की सारे स्पेसीज हैं वो ऐसे लेनी है जहां से आपको क्या मिले, न्यूक्लियोफाइल मिले। ठीक है, इस बार आपको क्या लेना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है। तो प्रोडक्ट है रिएक्शन का वो कुछ इस तरह से होने वाला है। देखिए जब आप पिरिडीन की रिएक्शन कराते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहां से 2-hydroxypyridine की फॉर्मेशन होती है। क्या फॉर्म हो रहा है, 2-hydroxypyridine फॉर्म हो रहा है। अब 2-hydroxypyridine है, ये फॉर्म किस तरह से होगा, तो मैकेनिज्म देख लीजिए। हमें क्या चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगेन देखिए अपना पोटेशियम है, एल्कली मेटल है, तो हमें यहाँ से क्या करना है, पहले हम इसे तोड़ेंगे किसमें, के पॉजिटिव प्लस ओ एच निगेटिव में, के पॉजिटिव प्लस ओ एच निगेटिव। अब ओ एच निगेटिव है वो तो हमारा यहाँ पे अटैक करेगा, क्या हो रहा है, ओ एच निगेटिव है वो तो यहाँ पे अटैक कर रहा है पिरिडीन की रिंग पे। इस बार का न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है, ओ एच निगेटिव है, तो ये तो यहाँ पे अटैक करेगा। अगेन हमारे पास बचता क्या है, के पॉजिटिव बचता है, तो इस बार जो हमने सोडियम पॉजिटिव लिया हुआ था उसके प्लेस पे हमें क्या लिखना है, के पॉजिटिव लिखना है। तो यहाँ से जो सोडियम हाइड्राइड फॉर्म हुआ था उसकी जगह इस बार क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्राइड बन गया। देखिए दोनों रिएक्शन है वो कितनी सिमिलर है और कितनी इजी सी रिएक्शन है, यदि आप एक कर लेते हो दूसरी अपने आप ही हो जाती है। क्या करना है, पिरिडीन की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करानी है, 2-hydroxypyridine फॉर्म होता है, और जब हम देखते हैं मैकेनिज्म, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा हाइड्रोक्सिल आयन की अटैक कराना है, और यहाँ से 2-hydroxypyridine की फॉर्मेशन हो जाती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हम कराते हैं रिएक्शन विद HCN। सारी की सारी रिएक्शन बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, हमें नेक्स्ट में क्या करना है, रिएक्शन विद HCN कराना है, तो HCN के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए मैकेनिज्म है, हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिज्म है वो तो नहीं चेंज होने वाले ना, मैकेनिज्म है वो तो वही रहेगी, तो सिर्फ क्या चेंज होगा, सिर्फ प्रोडक्ट चेंज होगा, हम रिएजेंट चेंज कर रहे हैं, मैकेनिज्म है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहां से देखिए जब हम HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं पिरिडीन की, तो अगेन यहां से क्या फॉर्म होगा, 2-cyanopyridine फॉर्म होता है। अब मैकेनिज्म की यदि मैं बात करूं तो वो किस तरह से होगी, तो देखिए सिंपल सा है, अपन ने क्या लिया हुआ है, HCN लिया हुआ है, HCN ब्रेक किस में होगा, H पॉजिटिव प्लस साइनाइड नेगेटिव, CN नेगेटिव। हमें क्या करना है, ओनली अपना जो न्यूक्लियोफाइल था वो चेंज कर देना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होना, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल चेंज होगा, मैकेनिज्म है वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो यहां से देखिए कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है वो हमें ऑब्टेन होता है, और ये वाले रिएक्शन यहां से देखिए क्या हो रहा है, H2 गैस है वो एलिमिनेट हो रही है,
और गैस यदि किसी भी रिएक्शन में एलिमिनेट हो रही है, दैट मीन्स वो फेवरेबल रिएक्शन होती है। तो देखिए क्या करना होता है, पिरिडीन लिया, पिरिडीन की रिएक्शन कराएंगे HCN के साथ, टू साइनो पिरिडीन की फॉर्मेशन होती है। क्या होगा, एच पॉजिटिव यहाँ से एलिमिनेट होगा, साथ में CN नेगेटिव बनेगा, साइनाइड बनेगा। अब क्या करना है आपको कि साइनाइड की तो रिएक्शन करानी है यहाँ पे पिरिडीन रिंग के साथ, तो यहां से लास्ट में जो एच निगेटिव निकलेगा वो एच निगेटिव मिलके एच पॉजिटिव के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और यहां से H2 गैस है वो इवॉल्व होती है। तो रिएक्शन क्लियर हो रही है। क्या करना है आपको, NaNH2 लेते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हो, KOH लेते हो, HCN लेते हो, तीनों की रिएक्शन वो बिल्कुल सिमिलर होती है। आप सिर्फ एक रिएक्शन से तीनों रिएक्शन को याद कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है अपनी, वो आती है रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अब देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कौन कौन से लेते हैं रिएक्शन कराने के लिए। एक तो हम कौन सा लेते हैं, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड लेते हैं, दूसरा ऑर्गेनोमैग्नीशियम यानी कि ग्रिनार्ड रिएजेंट लेते हैं। दो ही हम यहाँ पे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की रिएक्शन कराते हैं। तो देख लेते हैं रिएक्शन किस तरह से होने वाली है। तो देखिए इस बार हमें क्या लेना है, कोई भी एक कंपाउंड आप ले सकते हो। चलिए पहले हम ले लेते हैं ऑर्गेनोलिथियम। ऑर्गेनोलिथियम के लिए सपोज दैट हमने ले लिया एन ब्यूटिल लिथियम, C4H9Li। क्या होता है ये, एन ब्यूटिल लिथियम होता है, C4H9Li, एन ब्यूटिल लिथियम। ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। अब आपको क्या करना है, जब आप एन ब्यूटिल लिथियम की रिएक्शन कराते हो पिरिडीन के साथ, तो यहां से प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होता है। देखिए हमें क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करानी है। अभी तक जब आपने रिएक्शन कराई थी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के साथ, तो हमने वहां पे क्या किया था, लिथियम को रिंग पे ऐड किया था। क्या किया था हमने, लिथियम को रिंग पे ऐड किया था। लेकिन इस बार हमें क्या करना है, जो अपने न्यूक्लियोफिलिक स्पेसीज है, जो अपना एल्किल ग्रुप है, उसे हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं रिंग के ऊपर। तो यहां से प्रोडक्ट है वो क्या ऑब्टेन होगा, 2 ब्यूटिल पिरिडीन। प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म हो रहा है, 2 ब्यूटिल पिरिडीन फॉर्म हो रहा है। सिमिलर ही यदि हम कराते हैं पिरिडीन की रिएक्शन, हमने क्या ले लिया, इस बार हमने ले लिया एन ब्यूटिल लिथियम, दूसरा हम क्या ले सकते हैं, एरिल लिथियम ले सकते हैं, C6H5Li ले सकते हैं ना, एरिल लिथियम हो जाता है। देखिए आपको सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना होता है, इसी से पूरा प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सिर्फ आपको छोटी छोटी चीजें हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है। इस बार हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे एरिल लिथियम लिया हुआ है, C6H5Li। क्या होता है, एरिल लिथियम, एरिल लिथियम। अगेन देखिए क्या होने वाला है कि अपना जो लिथियम है वो तो अटैक नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि लिथियम पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज वाली स्पेसीज चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज वाली स्पेसीज यानी कि C6H5 है वो यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो क्या ऑब्टेन हो रहा है, देखिए 2 एरिल पिरिडीन। प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो गया, 2 एरिल पिरिडीन फॉर्म हो गया। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट हम रिएक्शन किसके साथ करा लेते हैं, ग्रिनार रिएजेंट के साथ करा लेते हैं, RMGX के साथ रिएक्शन करा लें। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड लिए हैं। स्पेसिफिक हमने हेडिंग में नहीं लिखा कि ऑर्गेनो लिथियम ले रहे हैं या फिर ऑर्गेनो मैग्नीशियम ले रहे हैं। हमने एक बार के लिए ऑर्गेनो लिथियम रख लिए, दूसरी बार के हम लिए के लिए हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, ग्रिनार रिएजेंट रख रहे हैं, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड रख रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो क्या ऑब्टेन होगा, देखिए यहां से जो आपका प्रोडक्ट है वो होता है 2 एल्किल पिरिडीन। टू
एल्किल पिरिडीन। अब यहाँ पे आर आप कुछ भी रख सकते हो, यदि आप स्पेसिफिक CH3 लेके चल रहे हो तो हम इसे 2-मेथिल पिरिडीन लिख देंगे, यदि आप C2H5 लेके चल रहे हो तो हम इसे 2-एथिल पिरिडीन लिख देंगे, या फिर आप C6H5 लेके चल रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, 2-एरिल पिरिडीन हो जाएगा। वो आपका डिपेंड करता है आर पे कि आप आर है जो एल्किल ग्रुप है वो कौन सा ले रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर है वो हो जाता है। एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं मैकेनिज्म एक्सप्लेन करती हूँ। हो गया। अब देखिए यहां तक हमने क्या देखा कि सिंपल रिएक्शंस देखे कि यहां से इस तरह के कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन अभी तो माइंड टेंशन में है कि ऐसा कैसे हो गया, कुछ समझ नहीं आया। तो देखिए वो चीज मैं आपको समझाती हूँ कि होता क्या है। मैकेनिज्म देखते हैं हम, मैकेनिज्म एक की यदि आप देख लेते हो तो सभी की वो क्लियर हो जाती है, ठीक है। सिर्फ आपको एक मैकेनिज्म देखनी है, एक मैकेनिज्म देख लेते हैं चलो कोई भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे आप कोई भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लेते हो, देखिए कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि यदि आप कभी भी कोई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लेते हो, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यानी कि जिनमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है, ठीक है, वो सारे कौन से होते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं। तो देखिए यदि आपने कभी भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लिया है तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में जब आप इसका बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या होना होता है, हमेशा ही यहां से जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन और मेटल के बीच का, तो कार्बन पे आता है ऑलवेज नेगेटिव चार्ज और मेटल पे आता है ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। यदि आप इतनी चीज ध्यान रख लेते हो, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो फिर आपको इन रिएक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए कार्बन है वो हम जब इसका कंपेयर करते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरिन के साथ तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है होता है, लेकिन जो अपनी मेटल्स हैं वो तो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है ना, ये क्या होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हुई, कार्बन की ज्यादा हुई। क्यों ज्यादा हुई, क्योंकि मेटल्स हैं वो तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है, मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वो कहां पे जा रहे हैं, कार्बन की तरफ जा रहे हैं बॉन्ड के, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब देखिए हमें क्या करना है मैकेनिज्म में, हमें कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी के मैकेनिज्म देख लेते हैं। जब आपने यहां पे लिया हुआ है C4H9Li तो ये ब्रेक किसमें होगा, देखिए यहां से लिथियम और कार्बन के बीच में बॉन्ड है तो लिथियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से क्या बनेगा, देखिए C4H9 नेगेटिव बनेगा प्लस Li पॉजिटिव बनेगा। चीज क्लियर हो रही है, C4H9 नेगेटिव बनेगा प्लस Li पॉजिटिव बनेगा। अब क्या होना है कि जब हमने बना लिया, अब न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज अपनी कौन सी है, यही है, और न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज का ही हमें पिरिडीन पे अटैक कराना है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पिरिडीन लेना है। पिरिडीन को हम पहले इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करेंगे और वो किस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, इस पे C4H9 ब्यूटिल एनायन का अटैक कराएंगे तो यहां से जो नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह का बनेगा, C4H9 है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है और देन आपको क्या करना है, यहाँ से माइनस एच नेगेटिव करना है और जब माइनस एच नेगेटिव जाएगा तो रिंग है वो अगेन अपनी एरोमेटिसिटी को ऑब्टेन करती है और C4H9 जो अपने न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है वो ऐड हो जाती है तो यहाँ से 2-ब्यूटिल पिरिडीन है वो फॉर्म हो जाता है। यहाँ से जो एच नेगेटिव निकला है वो लिथियम के साथ जुड़ के Li पॉजिटिव प्लस एच नेगेटिव क्या फॉर्म करेगा, लिथियम हाइड्राइड फॉर्म करेगा, LiH लिथियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन करेगा। तो चीज क्लियर हो रही है कि किस तरह से यहाँ पे इसकी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमें इतना ही देखना है। इसके बाद कौन कौन सी रिएक्शंस और बचती हैं, तीन रिएक्शंस और बचती हैं पिरिडीन की, एक तो बच जाता है ऑक्सीडेशन, दूसरा बच जाता है रिडक्शन और तीसरा बच जाता है अपना सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।